सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। भोलेनाथ आनंद के प्रतीक है। भौतिक जगत में आनंद नहीं, लेकिन भौतिक धन को सही जगह लगाकर आनंद रस के भागी बन सकते हैं। इसके पश्चात इसी चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को एक गाथा सुनाते हैं और यही गाथा सूत जी शौनक इत्यादि ऋषियों को सुना रहे हैं। क्या सुनाते हैं? एक नन्हे से बालक की जीवन कहानी, जो अपने मन में छोटे छोटे स्वप्नों के महल बनाकर बैठा है, जो सभी इतिहास के पृष्ठों पर अपना नाम कमा चुका है, वो भक्त है ध्रुव, जिसके पिता का नाम उत्तानपाद है और उसकी माता का नाम सुनीति है और विमाता का नाम सुरुचि। मैंने अपने जीवन में सौतेली माँ की कहानियां तो बहुत सुनी है, बहुत सुनी है। पांचों अंगुलियां एक जैसी नहीं होती, मैं जानती हूँ, लेकिन सौतेली माँ के व्याख्यान और उपाख्यान इतने सुने हैं कि कम से कम ध्रुव के जीवन कहानी की पीड़ा को समझ सकते हैं। जब से उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया और अत्यधिक समय सुरुचि को देने लगा, तो उत्तानपाद ने सुनीति की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत्तानपाद जिसके पैर ऊपर है, सिर्फ नीचे है, उल्टी चाल चल रहा है। दुनिया में चलने के लिए पैर नीचे होने चाहिए, सिर ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो उत्तानपाद है। पत्नी का नाम सुनीति, पहले नीति पूर्वक जीवन जीता था, नीति के साथ जीता था। हमारे शास्त्रों में शुक्र नीति, चाणक्य नीति और विदुर नीति, कितनी नीतियां हैं जो जीवन में अगर अपना ली जाए तो जीवन में व्यक्ति कभी असफलता का मुख देख ही नहीं सकता। पहले वो सुनीति के साथ था, अच्छी नीति के साथ जीवन व्यतीत करता था, लेकिन जीवन में सुरुचि आ गई, अब नीति छूट गई। जो मन को अच्छा लगता है वो ही करता है, नीति छूटी, सिद्धांत छूटे और मन के पीछे वशीभूत, मन के वशीभूत होकर तरह तरह के नाच नाच रहा है। जो व्यक्ति मन के अधीन हो जाए उसके जीवन में सफलता संदिग्ध हो जाती है, निश्चित नहीं रहती। महमूद गजनवी का नाम सुना है? आक्रांता रहा है, हमारे देश पर कई बार कुदृष्टि डालने आया, हमारे देश के प्रति उसने कैसी कैसी सोच रखी। बड़े शासकों ने यहाँ शासन करने की कोशिश की, मुगल आए, शक आए, हून आए, यूनान आए, बहुत लोग आए, भारत को रौंदने आए, कितने आक्रमण हमारे भारत ने सहन किए, लेकिन हमारी संस्कृति को वो हमसे अलग नहीं कर पाए, प्रयास अभी तक जारी है। महमूद गजनवी युद्ध की तैयारी कर रहा था और एक गजों का व्यापारी वहां पर आ गया। कहने लगा, महाराज एक बलशाली गज लेकर आया हूं, एक विशालकाय हाथी, ऐसा हाथी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, और ये हाथी सिर्फ बना ही मानो आपके लिए है। जब ये बात बोली महमूद गजनवी ने कहा, अच्छा चलो मैं देखने चलता हूँ कहाँ हाथी है। अश्व पर सवार होकर महमूद गजनवी उस जगह पर गया जहाँ गज था। जैसे वो अश्व से उतरा तो गज को देखने लगा, वाह ये तो बहुत ऊंचा है, ये तो बहुत विशाल है, सचमुच में युद्ध में मैं इसी पर आसीन हो जाऊंगा। अच्छा तो इस पर चढ़ते कैसे हैं? तो उसने सीढ़ी लगाई, गजनवी उसके ऊपर चढ़ गया, हाथी के ऊपर। गजनवी ने इधर देखा उधर देखा, गजों के व्यापारी से कहने लगा, इसकी वलगा कहाँ है? कहते, महाराज हाथी की वलगा नहीं होती, घोड़े की वलगा होती है, रथ में जो लगती है, तो इसको हांकेगा कौन अगर वलगा नहीं है? कहते, यहाँ महावत बैठेगा, वो हांकेगा, आपको सिर्फ बैठना है। झट से महमूद गजनवी ने ऊपर से नीचे छलांग लगाई,
जिस चीज की बागडोर किसी और के हाथ में हो, गजनवी उसकी सवारी नहीं करता। झट से गजनवी नीचे उतर आया। वो एक आक्रांता था, इतनी समझ रखता था कि लगाम हमारे हाथ में हो। हम कैसे इंसान हैं इस भारत की धरती के, अध्यात्म की धरती के। हमने अपनी आत्मा को मन की लगाम सामने पकड़ ली और आत्मा की लगाम छोड़कर मन की लगाम ले ली। अरे मन को झुकाना चाहिए था, मन को नीचे करके और ऊपर शासन करती ये आत्मा, और उस समय हम आत्मजयी राजा कहलाते अपनी धरती के। आज हम मन के अधीन दास बने फिरते हैं, ये हमारी भारत की हालत हो गई है। पकड़ो इस मन रूपी घोड़े को, लगाओ इसको हरि भक्ति के लगाम, खींचो इसे। कैसे गलत काम करवाता है तू हमसे, कैसे हमारे देश के परंपरा को नष्ट करता है तू। ये मन है ना, पाप कर्म करता है। मन के दो मुख हैं जानते हो। मेरे गुरुदेव से किसी ने प्रश्न पूछा, एक ऐसी नदी बताओ जिसकी दो धाराएं बहती हो। एक पहेली थी और ये पहेली श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखी हुई है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। गुरुदेव ग्रंथों के ज्ञाता थे, उन्होंने कहा कि एक ही ऐसी नदी है जिसकी दोनों धाराएं हैं, दो ओर बहती है, वो है मन। इसे चाहो तो भगवान के साथ जोड़कर ऊपर ले जाओ, इसे चाहो तो बुरे विकारों में दलदल में धकेल लो। तो मन है चाहे तो ऊपर उठ जाए, ये मन है चाहे पतन की गर्त में ले जाए। जो जीवन में सफल हुए हैं वो ऊपर उठे हैं, जो गिरे हैं मन की पाप कालिमा के साथ जुड़कर ही नीचे गिरे हैं। ताला देखा है, ताला घरों पर लगाते हैं, उसी चाबी से ताला खुलता है, उसी चाबी से ताला बंद होता है। इस मन को भगवान का जाम पिला दो, कोई दुनिया की बाधा आपको ईश्वर से मिलने के रोक नहीं सकती। इस पर लगाम लगाओ और आत्मा को अपनी रानी बनाओ, ये रानी आपको परमात्मा रूपी राजा से मिलाएगी और निश्चित मिलाएगी। ये देख लेना विडंबना, हम समझते नहीं। एक राजा ने अपने काजी से कहा, तू मुझे रोज भगवान की, मुझे तरह तरह की गाथाएं सुनाता है, कहानियां सुनाता है मुझे, मैं तेरे भगवान को देखना चाहता हूं, मेरे सामने ला। काजी कैसे बोले, वो महात्मा कैसे बोले कि मैं कैसे सामने ला दूं, मैं तो कहानियां सुनाता हूं। राजा ने कहा, अगर 7 दिनों के अंदर तू मेरी जिज्ञासा का शमन नहीं कर पाया तो तुझे मृत्यु दंड मिलेगा, मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दे। पूछो कौन से। पहला प्रश्न, अगर भगवान है तो वो किधर देखता है, अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता, दूसरा प्रश्न, और अगर भगवान है तो वो फिर करता क्या है, मुझे भगवान की कार्य प्रणाली समझाओ। बहुत 7 दिन की मोहलत उसके लिए कम पड़ गई, भूख प्यास छूट गई। राजा 7वें दिन मुझे मृत्यु दंड दे देगा, मैं करूं तो क्या करूं। 7वें दिन उसकी बेटी ने पूछा, पिताजी आप क्यों अशांत हैं। आज पिता ने अपनी बेटी से अपने मन की सारी बातें बोली। बेटी ने कहा, पिताजी आज आप राज दरबार में नहीं जाएंगे, मैं कहूंगी पिताजी अस्वस्थ हैं, उनकी ओर से मैं आई हूं। बेटी राज दरबार में पहुंच गई, राजा को अपना परिचय दिया कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने आई हूं। पूछिए महाराज क्या पूछना चाहते हैं। राजा जैसे प्रश्न पूछने लगा, उसकी पुत्री ने कहा, ठहरिए महाराज ठहरिए, जिज्ञासु नीचे बैठते हैं और जिज्ञासा का समाधान करने वाले हमेशा ऊपर बैठते हैं। आप सिंहासन पर बैठकर प्रश्न कर रहे हैं और जिज्ञासा का समाधान करने वाली नीचे खड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है। सच्चे जिज्ञासु बनकर नीचे आइए, क्योंकि प्यास बुझाने के लिए नल के नीचे झुकना पड़ता है, नल तो ऊपर ही रहता है, नल पर बैठकर पानी नहीं पिया जाता। राजा सिंहासन से उतरकर नीचे आया, पुत्री सिंहासन पर अध्यासीन हो गई। जैसे बेटी सिंहासन पर बैठी, जानते हो क्या हुआ, कहने लगी, पूछो राजन आपके प्रश्न क्या हैं। पहला प्रश्न, अगर ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। पुत्री ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर है, पहले एक दूध का कटोरा लेकर आओ। कहने लगी, महाराज क्या इस दूध में माखन छिपा है। राजा ने कहा, छिपा है।
कहती दिखाई क्यों नहीं देता। राजा कहता हे अबोध लड़की, दूध से माखन निकालने की कोई युक्ति होती है, जामुन लगता है, दही बनता है, मथना बिलोना पड़ता है, फिर जाकर माखन निकलता है। कहती यही तेरे प्रश्न का उत्तर है, ईश्वर है लेकिन उसको भी देखने की एक युक्ति है, उसे पाने के लिए जा संतों की शरण में जा, तुम्हें ईश्वर दिख जाएगा। बिना युक्ति के भगवान नहीं मिलते। दूसरा प्रश्न पूछिए, ईश्वर है तो कहां देखता है। लड़की ने एक मोमबत्ती मंगवाई राज दरबार में, चिराग आया, कहने लगी इसकी रोशनी कहां देख रही है, कहां जा रही है। कहते चारों ओर जा रही है। कहने लगी यही तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, उस ईश्वर की आंख से कुछ नहीं बचता, वो ईश्वर चारों ओर देख रहा है। तुम पुण्य कर रहे हो वो भी देख रहा है, तुम पाप कर रहे हो वो भी देख रहा है, उसकी नजर से आज तक कोई नहीं बच पाया। तीसरा प्रश्न पूछिए, तीसरा प्रश्न ये है कि अगर ईश्वर है तो वो करता क्या है। कहती वही जो उसने आज किया। कहता क्या मतलब। कहती ईश्वर चाहे तो राजा को रंक बना दे, ईश्वर चाहे तो रंक को राजा बना दे। आज तू राजा होकर नीचे खड़ा है और मैं एक साधारण लड़की होकर तुम्हारे सिंहासन पर बैठी हूँ, ईश्वर चाहे तो ये सब कुछ कर सकता है, तो उसकी शक्ति को क्या जानता है। ईश्वर के साथ जुड़कर कार्य करने के लिए सुरुचि नहीं, जीवन में नीतियां सिद्धांत मर्यादाएं चाहिए। जैसे उत्तानपाद का ध्यान नीति से हटा, सुनीति से ध्यान हटते ही ध्रुव के प्रति भी उसका ध्यान हट गया, ध्रुव पिता के प्यार से वंचित हो गया। पिता के प्यार के लिए तरस रहा है, बार बार माँ सुनीति से कहता है माँ मुझे पिता का प्यार क्यों नहीं मिलता है, मैं पिता की गोद में कैसे बैठूं, मैं जब दूसरी माता के महल में जाता हूँ वो मुझे धक्के मारती है, मुझे दुत्कारती है, मुझे पिता की अंक में बैठने ही नहीं देती। सुनीति कहती है बेटा मैं तो खुद लाचार हो गई हूँ, मैंने तो उस जगतपति को अपना सब कुछ मान लिया है, वो सबका स्वामी है, तुम्हारा भी स्वामी बनेगा, तुम उस परमात्मा को अपना पिता मान लो। ढूंढने का माँ अगर जगत पिता सबके पिता हैं, फिर मैं उनको पाने के लिए जाऊंगा, वो जहां होंगे मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और मैं पूछूंगा कि अगर आपने मुझे जन्म दिया था तो मेरे भाग्य में खुशियां क्यों नहीं लिखी, मेरे भाग्य में पिता का प्यार क्यों नहीं लिखा। और आज नन्ना सा बालक भगवान की खोज में जा रहा है और उन्हें कह रहा है कि वो उसे अपनाए, उन्हें अपनाए। मेरे आंसू पहुंच कर
मुझ गले लगाएगा मेरे आंसू पोंछ कर, मुझ गले लगाएगा मेरे आंसू पोंछ कर, मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरे सांवरिया, कब आएगा मेरे सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कठोर थोड़ा दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, दामन को थाम लो। कितना दुरलाएगा कितना तड़पाएगा, कितना दुरलाएगा कितना तड़पाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। आएगा मेरे सांवरिया, कब आएगा मेरे सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आ जा रे ध्रुव की पीड़ा में डूब गए हैं। आप बैठे बैठे जो इस समय में आपकी अवस्था देख रहे हो, आप शायद उसी परिवेश में पहुंच गए। मेरे प्रभु का प्रदेश, हम वासी उस देश के, जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। इसी प्रसंग के द्वारा आपने वो क्षणिक आनंद पा लिया है, इसलिए इसी आनंद को बनाए रखे, प्रभु की भक्ति में डूबे रहे, भजन करते रहे। एक आनंद रस की छटा देखने के लिए मैं वृंदावन की धरती पर गई थी। कितने महात्माओं के दर्शन किए, जिससे भी मिली वो कहने लगे राधे रानी की जय, राधे रानी सरकार की जय। मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये जय राधे रानी की क्यों? कहते राधा ने जो इस जीवन में कृष्ण के सामने और कृष्ण के बिना पाया, वो हमारा आदर्श हो गया, और राधा को हमने अपने जीवन का केंद्र मान लिया कि हम भी प्रभु को रिझाएंगे, हम भी पाएंगे। तो आज राधा के नाम की ताली तो बनती ही बनती है। क्यों भाई जी? श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने
राजा परीक्षित से ये कहा कि मैंने तुम्हें उत्तानपाद और उसके पुत्र की गाथा श्रवण करवाई है। अब मैं तुम्हें मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रियव्रत के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, जो भगवान के अंशावतार कहलाए। जैन तीर्थंकरों में भी उनका वर्णन आता है। उनके अनेकों पुत्र थे, जिनमें एक भरत जी भी थे। भरत जी के जीवन कहानी मानव जाति के लिए एक शिक्षा है। भरत जी का कुशल राज्य था, ऐश्वर्यपूर्ण पट रानियां थी, अनेकों संतानें थी। उम्र के किसी मोड़ पर कुछ ऐसा घटित हुआ कि उनके जीवन में भरपूर वैराग्य आ गया। ऐश्वर्यपूर्ण पुत्र पुत्रियों का परित्याग कर मानो वो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। जिन संबंधों की तिलांजलि देकर वो हरि से संबंध जोड़ने के लिए निकले थे, उन संबंध की जो आधारशिला बनी वो बड़ी कमजोर पड़ गई। वन में उन्होंने एक दृश्य देखा। एक गर्भवती मृगा शेर से स्वयं को बचाती हुई भागती हुई आ रही है और किसी नदी में कूद कर उसने अपने प्राणों की रक्षा की, लेकिन वहीं पर बच्चे को जन्म देकर फिर किसी गुफा में जाकर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। भरत जी इस दृश्य का अवेक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं ये नन्ना सा मृग शावक जिसने अभी जन्म लिया है, इसकी माता ने अपना शरीर छोड़ दिया है, अब इसका रक्षण कौन करेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं, मुझे ही इसका रक्षण करना होगा, इसका पालन पोषण करना होगा। मृग शावक का रख रखाव करते उन्हें कब मृग शावक से आसक्ति हो गई वो खुद भी नहीं जानते थे। जिन पत्नियों और बच्चों का परित्याग कर आसक्ति के बंधन तोड़कर वो वन में निकले थे, आज वही आसक्ति की नई डोर वन में जन्म ले चुके हैं। उनका सारा ध्यान मृग शावक में रहने लगा और श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यं यं वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तं तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। दहे छूटे मन में रहे सहजो जैसी आस, देहे जन्म तैसो मिले तैसो ही घर वास। मृत्यु के समय इंसान जिस भाव से भावित होता है उसे उसी योनि में जाना पड़ता है। भरत जी का अंतिम समय शेष था, लेकिन ध्यान उसका मृग में था और वो मृग योनि को चले गए। लेकिन आश्चर्य ये था कि मृग योनि में जाने के बाद भी उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति है कि मैं एक राजा था, भक्ति करने निकला था और मृग शावक के वशीभूत हो गया। अब मृग योनि में वो अंतर मन से भगवान को पुकार रहे हैं कि मेरा मार्गदर्शन कर और मुझे आवागमन के चक्र से मुक्ति का दान दिलवा। प्रार्थना फलीभूत हुई। मृग योनि के पश्चात ब्राह्मण पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन यह भी उन्हें याद है कि मैं पहले मृग योनि में था, उससे पहले राजा था। आवागमन की कहानी वो अपने किसी जन्म में भूले नहीं थे, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि ब्राह्मण पुत्र के रूप में जन्म तो ले लिया है, लेकिन अब किसी बंधन में नहीं पड़ना, बंधूंगा तो भगवान के बंधन में बंधूंगा। इसलिए वो तरह तरह से विचित्र व्यवहार करने लगे। पिताजी उसे निष्णात ब्राह्मण बनाना चाहते थे, उसे कुशल शास्त्रार्थी बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका पुत्र वेद शास्त्र में पारंगत सिद्ध हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं ये सब सीख गया तो मुझे मोह माया फिर से बांध लेगी और धन के चक्कर में, प्रतिष्ठा के चक्कर में भगवान ना छूट जाए। इसलिए उन्होंने जैसा व्यवहार प्रदर्शित किया उन्हें मूर्ख कहा गया, उन्हें अबोध कहा गया और उन्हीं जड़ता उनकी देखकर उन्हें जड़ भरत नाम से मंडित किया गया।
उनके भाई उनके साथ दुर्व्यवहार करते, क्योंकि उनके भाइयों को लगता कि ये किसी काम का नहीं है, ये हट्टा कट्टा है, खाता है पीता है, शरीर से बलवान है लेकिन मूर्ख है, कोई कार्य प्रणाली इसे नहीं आती है, किसी कार्य में ये निष्णात नहीं है। वो हर तरह का मान अपमान सहन करते, और संतों की मस्ती तो इतनी अद्भुत होती है कि वो मान अपमान से भी कई बार ऊपर उठ जाया करते हैं। इसे कहते हैं एक परम अवस्था, जब मान अपमान भी पीड़ित ना करे। भरत जी इधर खेतों में बैठे हैं तो वहाँ उन्हें कुछ सामंतों ने आकर पकड़ लिया। सामंतों का सरदार डाकू है, वो निहित संतान है, और किसी ने उसे भ्रमित किया कि अगर संतान चाहिए तो तुम्हें नर बलि देनी होगी। और इस अंधविश्वास के अंतर्गत समंत जो सामंत थे उन्होंने उस समय भरत जी को पकड़ लिया। भरत जी को बलि देने के लिए जैसे लिवाया गया, स्नान कराया गया, उनका फूलों से श्रृंगार किया गया, उन्हें खिलाया गया पिलाया गया, और उसके पश्चात बलि की पूरी तैयारी हुई। हाथ में कटार पकड़ी है, बलि लेने की तैयारी है, माँ की प्रतिमा सामने है, मंत्र उच्चारण चल रहा है, और जैसे माँ को प्रसन्न करने के लिए मन माने तरीके से वो अपनी प्रक्रिया के अंतर्गत बलि देने लगे तो माँ रुष्ट हो गई। जिस माँ के सामने उसके निर्दोष बच्चे की बलि दी जा रही हो, भला वो माँ प्रसन्न कैसे हो सकती है? क्योंकि ये सारी धरती माँ की है, हम सब माँ की संतानें हैं, माँ के बनाए हुए जीव हैं, और माँ से कृपा पाने के लिए माँ के जीव की हत्या करोगे तो कृपा नहीं माँ के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। आज भी हमारे इस धरती पर भारत देश में अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बलि की जो प्रथा है वो अपनी प्रचंड अवस्था में है। नेपाल साइड पर आप जानते हो, लगता है एक मेला लंबे समय तक, और धड़ाधड़ इतनी बलियां दी जाती है, इतने बकरे काटे जाते, इतने भैंसे काटे जाते हैं, निर्दोष जीवों की बलि दी जाती है। ये कैसी परंपरा है कि भगवान की धरती पर भगवान को रिझाने के लिए तुम भगवान के जीवों की हत्या करते हो? और समाज में समय समय पर ये जो भूकंप आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये त्रासदियां हैं, ये भगवान का प्रकोप नहीं तो और क्या है? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? महानिर्वाण तंत्र कहता है, सात्विको जीव हत्याम वै कदाचित अपि न चरेत इक्षु दंडच कूष मांडम तथा वन्य फलादिकं क्षीर पिंडैः शालीचूर्णैः पशुं कृत्वा चरेत विलम। जो सच्चा उपासक होता है वो कभी भी भगवान के जीवों की हत्या नहीं करता। हाँ, हमारे वेदों में बलि का विधान है, लेकिन वेदों ने कहा है बलि किसकी देनी है? काम क्रोधौ द्वौ पशु इमा वेव मनसा बलि मर्पयेत। काम क्रोधौ विघ्न कृतौ बलिं दत्त्वा जपं चरेत। महाकाल संहिता की उदाहरण दे रही है, बलि दो लेकिन आप दो पशुओं की बलि दो, और पशुओं के नाम भी हमारे वेदों ने लिखे, वो पशु है काम और क्रोध रूपी पशु जो तुम्हें दानव बना देता है और तुम मानवता से वंचित हो जाते हो। मानव की पहचान मानवता से होती है, उसकी दानवता से नहीं होती। पुराने समय में लोग ईख कोहड़ा वन्य फलों की अपने विकारों के रूप में बलि दिया करते थे। जैसे कबूतर में काम का प्रबल्य है, भैंसे में क्रोध का प्रबल्य है, बकरे में जिह्वा का प्रबल्य है, ये अगर हमारे अंदर इसी प्रकार की वासनाएं विकार है, क्रोध है, हिंसा है, और काम वासनाएं प्रबल है तो हम पशु ही तो हो गए। बलि देनी थी विकारों की और बलि दे रहे हम भगवान के बनाए हुए जीवों की, तो माँ कैसे सहन करेगी? और आज माँ का एक निर्दोष भक्त जो भगवान को माँ को पाना चाहता है तो वो होता क्या है? तो माँ क्रोधित होगी, और माँ आज अत्यंत क्रोध में आ गई। माँ की रक्त रंजित आंखें हैं, लहलहाते बाल आज माँ के आंधी तूफान की मानो सृष्टि कर रहे हो। माँ के एक हाथ में खड़ग है, दूसरे हाथ में माँ ने खप्पर धारण कर लिया, और माँ एक एक करके सारे अधर्मियों की गर्दनों को काटने लगी और उनके रक्त का पान करने लगी। और माँ कटे हुए सिरों के साथ ऐसे खेल रही है जैसे एक बालक कंदू के साथ क्रीड़ा करता है।